जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां लगातार अपनी गतिविधियों को तेज करने में लगी हुई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ को बनाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस ओर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार सैफी लगातार मतदाताओं के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बताने का काम कर रहे हैं। साथ ही 14 फरवरी को मतदान करने की अपील भी उनके द्वारा सभी से की जा रही है। गुरुवार की देर शाम नुक्कड़ सभाओं के द्वारा उन्होंने संदेश दिया, तो वहीं शुक्रवार को भी सुबह के समय काठ विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ सभाएं कर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने जनसंपर्क करते हुए डोर टू डोर जनता को कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। इसरार सैफी कहते हैं कि उन्होंने 2 बार ब्लॉक प्रमुख के पद पर रहकर क्षेत्र की जनता की खिदमत की है। इस बार वे फिर से मैदान में उतरे हैं और कांठ विधानसभा की जनता के लिए हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र में विकास कराना, शिक्षा को आगे ले जाना और रामगंगा नदी पर खादर के लिए पुल का निर्माण कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है और वे अपने इस अभियान को लेकर लगातार अपने कारवां को जारी रखेंगे। इसरार सैफी जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां उनके समर्थकों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। शुक्रवार को पाकबड़ा पहुंचकर इसरार सैफी ने तूफानी गति से जनसंपर्क किया, तो वहीं कांग्रेस की नीतियों से सभी को अवगत कराया। बहुत अच्छा है, इस मामले में अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया। किन किन प्राथमिकताओं को लेकर के जनता को बता रहे हो आप? देखिए, सबसे पहले मैं जो घूम रहा हूँ कांठ विधानसभा के अंदर, एक तो रोडों की बड़ी समस्या है। रोड के अंदर हमने अभी देखा है कि कहीं के भी रोड, सरकार ने कहा कि हमने साफ गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी, उन्होंने गड्ढों के अंदर सड़कें बना दी। ऐसी सड़कें बनी पड़ी हैं, बहुत बुरा हाल है। इधर कांठ के अंदर हमने देखा है कि बुनकरों की बड़ी भारी समस्या है लाइट की। ऐसी समस्या है कि उनको लाइट नहीं मिल पा रही है। हमारी सरकार ने जो है लाइट जो है आधे रेटों में लाइट देने का वादा किया है और पूरी तरह से जो है यहाँ जितने रोड वगैरह है पूरी तरह से रोड बनाएंगे। एक जो है यहाँ डिग्री कॉलेज में वो बनाएंगे और यहाँ जो है यूनिवर्सिटी की कोशिश करेंगे। और एक हमारे वहाँ अगवानपुर के अंदर ठाकुर द्वारा 20 किलोमीटर पहले पड़ेगा और मार्केट बनेगी पूरी तरह से। एक नदी का यहाँ जारत के पास चिरागी पे कहलाता है, वहाँ का पुल बनवाना है। और सबसे पहले चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उसका काम हम जो है इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। लोगों की मदद से और अपनी मदद लगा के और अपनी निधि लगा के उसका काम शुरू करेंगे। सबसे पहले जैसे आप तूफानी गति से लगातार जनसंपर्क कर रहे हो, तो क्षेत्र में और प्रत्याशी भी हैं, तो मतलब किस तरह से आपको लोग बिहेवियर मिल रहे हैं? नहीं, और प्रत्याशी तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें तो देखो, हमने कई गांवों में हमने देखा कि पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं मिलाव हो जाता है। हमें तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। और एक समाजवादी के प्रत्याशी आए हुए हैं, उनको भी देखा हमने, कहीं कोई उनका कोई जिक्र नहीं। बाहरी प्रत्याशी 80 किलोमीटर दूर के प्रत्याशी, मैं जनता से यही अपील करूंगा कि बाहरी प्रत्याशी को न दें। और मैं अगवानपुर में रहता हूं, सेंटर है मेरा, और मैं 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा हूं। और 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहने के बाद मैंने लोगों का काम किए और मेरे इंशाल्लाह मैं आपको इस बात का, आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस बात का वादा करता हूं कि मेरे ब्लॉक के जितने भी गांव आते हैं उसके अंदर 100% पोलिंग मेरी होगी इंशाल्लाह।